स्टोरी को क्या एक वर्ड होता है ना हाँ। क्या कौन सी स्टोरी पे कंटिन्यू करें या नहीं करें जो मतलब न्यूज़ वगैरह की बेनाफ्लिक आ चुका है तो वो आ चुका है अब आगे कहीं दिखेगा है फिर वो माइकल कीटन को भी ला रहे हैं तो अब ऐसा हो जाएगा कि एक ही टाइम पे तीन तीन बैटमैन होंगे यही कंफ्यूजन मिलर ने खेला पता है ना क्या कर रहा है वो फ्लैश है ना वो तो बस इतना वाला ओ भाई मतलब उसका पता क्या कर रहा है एक्टर रियल लाइफ में क्या कर रहा है हां मैंने सुना है उसका कुछ कोई कंट्रोवर्सी वगैरह हुई है मैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसकी विकिपीडिया पेज खोल के कंट्रोवर्सीस का वो सेक्शन कोई, okay. कोई नहीं भाई कोई नहीं कंट्रोवर्सी की लाइन से लिखा हुआ है कि उसने क्या-क्या कांड किए हुए हैं कुछ याद आ रहा है अभी रिसेंट टाइम ने कुछ सुना था उसका चार नहीं, नहीं।, नहीं किया लड़ाई करना घर में घुस जाना आ, कुछ पेरेंट ये लगा रहे पेरेंट ऐसा कम्प्लेन कर रहे थे कि हमारे बच्चे को अगवा कर लिया वो तो काफी छोटा सा लगता है यार्लेड उसमें बच्चे का ही रोल प्ले किया था उसने किसी तो आई एक्चुअली थोड़ा काफी छोटा सा होगा ले, लेटेस्ट वाली देखी ना फैंटास्टिक उसके कैरेक्टर को उसमें नहीं था मार दिया ना उसमें मार दिया ट्रू मार दिया ना अभी फ्लैश आएगी ना फिर फ्लैश 2 की कहानी देखना वो वो गया बताओ चेंज हो रहा है इसमें भी म, हमने कि, आ, अखा सेक्शन डेडिकेट किया हुआ है इसके ऊपर और मतलब कंक्लूजन ये निकला कि ये जो फ्लैश मूवी आने वाली है ना उसमें उसका डबल रोल है और मतलब मेन हीरो स्टूडियो ही तो कर भी नहीं सकता कुछ क्या करे शूट तो कर कोई लिया। नहीं तो फ्लैश में तो वैसे भी कुछ भी किया जा सकता है किसी भी उसको उठा के किसी भी टाइम से फ्लैश बना देंगे बैरियाल नहीं तो जे गैरिक को ले आएंगे जे गैरिक नहीं तो किसी और यूनिवर्स का उठा लेंगे वो फ्लैश का तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है बैटमैन कैसे बदली जा रहे हैं बैटमैन <laughs> का भी काफी मामला है वो माइकल कीटन वाले को वापस ले आया ना तो थोड़ा सा और भी अजीब लगता है कि भाई क्या जरूरत थी अभी और और मतलब इतने न्यूज आ गए की कंफ्यूजन मतलब कभी आता है की वो है और कभी आता है की उसके कैमरे को कट कर दिया है पिक्चर में से मतलब शूट करने के बाद क्योंकि इनके प्लान्स भी चेंज हो जा रहे हैं ओनर चेंज हो गया नया आया वो बोला मेरे को ये नहीं वो चाहिए